हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। एक धमाकेदार मंगलवार आज देखने को मिला। ऐसा पैटर्न इतने सालों में फर्स्ट टाइम है कि ऐसा पैटर्न देखने को मिला है। 500 पॉइंट की गिरावट होती है एक दिन पहले और दूसरे दिन 500 पॉइंट की रिकवरी भी आ जाती है। जबरदस्त धमाका हुआ है आज तो। इसके पीछे क्या असली फंडामेंटल रीजन है वो भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का 5 मिनट का चार्ट को देख लेते हैं। ये 5 मिनट का चार्ट कल जो हमने लेवल्स मार्क किए थे, आप देख सकते हैं। सेकेंड टारगेट के लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया सुबह, यहाँ से नीचे आया और फिर यहाँ पर एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बना के यहाँ से अपसाइड मोमेंटम यहाँ से शुरू हुआ। फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट दोबारा से अचीव हुए, इजीली अचीव हुए, और इसके बाद ये जबरदस्त अपसाइड मूवमेंट। तो ऐसा क्या हुआ? कल तक अगर हम न्यूज़ में देखें तो ऐसा बताया जा रहा था कि जो वॉर है रशिया और यूक्रेन के बीच में, ये बातचीत से हल नहीं हो सकता। यहाँ पर वॉर ज़रूर होगा। अमेरिका बार बार वॉर्न कर रहा था, हर एक कंट्री अपने लोगों को यूक्रेन से बाहर निकलने की बात कर रही थी। और ऐसे में ये न्यूज़ आ रहा था। कल भी जर्मन चांसलर जो थे वो यूक्रेन पहुंचे थे, आज रशिया पहुंचने वाले हैं। बातचीत का कुछ नया दौर शुरू हो सकता है, लेकिन आज ये इसके ऊपर 12:55 को रशिया से ये कहा गया कि भाई हम तो रेडी है बातचीत करने के लिए। तो ये न्यूज़ ने मार्केट में यहाँ पर एक ज़बरदस्त अपसाइड तेज़ी देखने को मिली। ये 1 बजे के पास हम यहाँ पर थे, 17,100 के आसपास निफ्टी चल रहा था, और ये न्यूज़ कभी आई देखो 12:55, और 1 बजे के बाद ये ज़बरदस्त और 250 पॉइंट का यहाँ से तेज़ी देखने को मिला। क्या गजब की तेज़ी थी! कल जितना भी मार्केट गिरा था, ये जो बड़ी गैप यहाँ पर क्रिएट हुई थी कल, ये आज के दिन पूरी की पूरी यहाँ पर फील होते हुए नज़र आ रही है। अभी ये जो बयान आया है रशिया के तरफ से, इसके ऊपर एग्रेसिवली ट्रेड ना करें तो बेहतर है, क्योंकि ये एक वॉर स्ट्रेटजी भी हो सकती है। पहले तो बोलो हम लोग टॉकिंग के लिए रेडी है, बातचीत के लिए रेडी है, और अचानक से हमला भी कर सक देता है, क्योंकि यूक्रेन के ऊपर अटैक करके पूरा कंट्रोल लेना रशिया के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अदर कंट्रीज भी अगर इसमें शामिल हो जाती है तो यहाँ पर टेंशन भरा माहौल हो सकता है। 1962 में देखा था, चाइना और इंडिया से अच्छी सी बातचीत चल रही थी, चाइना ने अचानक से अटैक कर दिया। तो यहाँ पर इस न्यूज़ के कारण एग्रेसिव बाइंग करना थोड़ा यहाँ पर रिस्की साबित हो सकता है, थोड़ा वेट करें। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसके लिए चलते हैं। पहले डेली चार्ट को देख लेते हैं। डेली चार्ट में ये पैटर्न क्रिएट हुआ है। बार बार हम ये पैटर्न जब भी क्रिएट होता है इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। आप अगर हमें लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा ये पीवट बार रिवर्सल पैटर्न बना है, यानी ये डाउन ट्रेंड के बाद ये ग्रीन कैंडल बना है, जिसका हाई लो और क्लोज, जिसका हाई लो और क्लोज पिछले कैंडल के हाई लो और क्लोज के ऊपर है। तो यहाँ पर ये पीवट बार रिवर्सल पैटर्न बना है। ऐसा पैटर्न पास्ट में भी बना है, और तभी ऐसा पैटर्न बनने के बाद क्या हुआ है ये आप जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिलता है, लेकिन अभी यहाँ पर 3 हर्डल्स है। 100 DMA है, आज देखिए क्लोज भी कहा हुआ है 17,357 के पास, 100 DMA है, और क्लोज देखिए 17,352। तो ये हर्डल फेस कर सकते हैं। इसके ऊपर 20 DMA, 50 DMA भी है, तो 17,500 के ऊपर जब निकले निफ्टी इंडेक्स तो फिर से यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और ये जो कल हम लेवल की बात कर रहे थे, इस जोन में अंदर 1, 2, ये 3, ये 4, और अभी 5वीं बार इस लेवल ने ज़बरदस्त सपोर्ट का काम किया है। 16,800, 850 का जोन है, ये सपोर्ट जोन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज भी ये इसने यहाँ पर ज़बरदस्त सपोर्ट का काम किया है। तो अभी ऊपर जब तक 17,1500 को क्रॉस नहीं करता, कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, यहाँ से अपसाइड जो ट्रेंड है वो एक्सटेंड हो सकती है। अभी भी अनसर्टेनिटी का माहौल है यूक्रेन और रशिया के बीच में, थोड़ा एग्रेसिव बाइंग के लिए थोड़ा वेट करें तो बेहतर है। और वीकली चार्ट में भी देख सकते हैं आप, ये अभी 20 वीक्स का एक्सपोनेंशियल एवरेज, ये जो पिंक लाइन है ये भी अराउंड 17,360 के पास आ रहा है, और डेली चार्ट में हमने देखा 100 DMA उसी लेवल के पास आ रहा है। तो
तो यहाँ पर काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस बन रहा है, इसको ब्रेक करने दे, कंफर्टेबली सस्टेन करने दे, तो यहाँ से एग्रेसिव बाइंग देखने को मिल सकती है। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, इसके लिए 16 मिनट के चार्ट को हम फॉलो करेंगे। कल भी आप देख सकते हैं 0 to 30 ओवर सोल्ड जोन में RSI आ चुका था, और आज यहाँ से कंफर्मेशन मिला इस दो कैंडल में, हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना और उसके बाद जबरदस्त अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिली। अभी कल के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा अराउंड आज का जो हाई है उसके ऊपर 100 EMA आ रहा है, और इसके जस्ट ऊपर ये लास्ट 2 दिन पहले एक स्विंग हाई बना था, तो यहाँ पर हो सकता है रेजिस्टेंस फेस करे, तो इस लेवल को कम्प्लीटली ब्रेक करने दे, यानी 17,411। इसके ऊपर फर्स्ट टारगेट हमारा होगा अराउंड 17,431, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 17,461, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर टुवर्ड्स साउथ की तरफ आता है तो 2 दिन पहले का जो लोएस्ट क्लोजिंग लेवल था आर्ली चार्ट में, यानी अराउंड 17,324, देख सकते हैं आप यहाँ पर एक स्विंग लो बना है, तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है। ये ब्रेक होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 17,302, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 17,274, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लेवल्स है कल के लिए। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी तो सुपर आज यहाँ से अपसाइड ट्रेंड देखने को मिली। बैंक निफ्टी के हमारे प्रीमियम चैनल में भी ज़बरदस्त आज जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज थी, तीनों के तीनों टारगेट्स अचीव हुए, चार ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज थी, सबके सब तीनों टारगेट यहाँ पर अचीव हुए। ये 5 मिनट का चार्ट आप देख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, फर्स्ट टारगेट ब्रेक डाउन लेवल को ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ। एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने डबल बॉटम जैसा पैटर्न बनाया, ये फर्स्ट बॉटम, ये सेकेंड बॉटम, और यहाँ से जो तेजी शुरू हुई, ये ज़बरदस्त 1700 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला एक दिन के अंदर। तो बैंक निफ्टी ने भी आज तहलका मचा दिया था। अभी चलते हैं 60 मिनट के चार्ट पर, कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं। कल के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल जो होगा, आप देख सकते हैं आज के हाई के ऊपर एक छोटा स्विंग हाई बन रहा है, कुछ दिनों पहले बना था यहाँ पर, तो 38,300 हो सकता है रेजिस्टेंस का काम करे, तो हमारा ब्रेकआउट लेवल भी कल के लिए वही होगा, और फर्स्ट टारगेट होगा 38,388, सेकेंड टारगेट होगा हमारा अराउंड 38,462, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ब्रेक डाउन लेवल होगा हमारा ये जो आज देख सकते हैं आप, अभी 100 EMA 50 EMA हो सकता है सपोर्ट का काम करे, और इस लेवल के पास 38,029 हमारा ब्रेक डाउन लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट बनेगा यहाँ पर 37,937, और सेकेंड टारगेट होगा हमारा यहाँ पर 37,857, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो यह है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए, यानी 16 फरवरी। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक ज़रूर कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।